हेलो जी नमस्कार सलाम सत विश यू ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम टू तो दिस वंडरफुल चैनल आकाश बाइजूज नीट यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के आज के इस रैपिड फायर सेशन में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इट इज बॉडी फ्लूड एंड सर्क्यूलेशन जिसे आप सर्कुलेटरी uh, सिस्टम के नाम से भी जानते हैं सो आई एम श्योर क्लास इलेवेंथ का जो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है उसी का तो ये एक चैप्टर है पहला चैप्टर था ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज राइट इससे पीछे जो हमने पढ़ा था उससे पहले हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा है तो आज हम बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं राइट right? एंड uh, सबसे पहले मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कह दूं ताकि आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें आपके सभी आंसर्स सही हों ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल ट्रिपल हो जाए ऑब्वियस ही बात है जब किसी परीक्षा में हम सही जवाब देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है ना उस चीज से ठीक है जी सो ऑल माई राजा बेटा एंड ऑल माई रानी बेटियां एक पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक झील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी सेशन को लाइक like जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहता है आप अपने कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एंड इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी जरूर देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे जिन पे आपको क्लिक करना है फॉर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वेल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 23 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विद एम एंड पी एच डिग्री दस लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मुझसे पढ़ के अपना भविष्य बना चुके हैं अगला नंबर आपका है याद रखिएगा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं ऑल द बेस्ट पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड देखिए ओवरऑल ब्लड की कॉम्पोजिशन में क्या है प्लाज्मा है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है फॉर्मड एलिमेंट्स में आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज प्लेटलेट्स ये आते हैं तो जब ब्लड में से फॉर्मड एलिमेंट्स हटा दें तो बचा प्लाज्मा प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी हैं नॉन प्रोटीन सब्सट्रेंसेस भी हैं जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा देते हैं तो जो बाकी बचता है दैट इज व्हाट इज सीरम याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है सीरम क्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि सीरम में से क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं जब कहीं हमें चोट लग जाती है खून बहने लगता है थोड़ी देर के लिए सो विद इन थ्री टू फाइव मिनट्स ब्लड क्लॉट कर जाता है क्लॉट बनने के कुछ समय बाद सिकुड़ता है रिट्रैक्ट करता है जब क्लॉट रिट्रैक्ट करता है सिकुड़ता है ब्रोकन एंड ऑफ द ब्लड वेसल आर ब्रॉट क्लोज टूगेदर और फिर वहां से एक फ्लूड उज आउट होता है फ्लूइड निकल आता है जिसे हम सीरम कहते हैं इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे अगला सवाल स्क्रीन पे आपके लिए ये रहा न्यूट्रोफिल्स इनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब कहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बीसीज है एग्रीड डब्ल्यू बीसी की भी तो दो कैटेगरीज है ना ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स तो अब आप बताइए कि न्यूट्रोफिल्स इोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स क्या है क्या ये ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं या ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं वेल द करेक्ट आंसर इज कि ये ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं मींस दे हैव एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स न्यूट्रोफिल्स आर द स्मॉलेस्ट डब्ल्यू बीसीज माइक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहते हैं मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है इोसिनोफिल्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट लार्ज साइज पैरासाइट जैसे ब्लड फ्लूसोमा हेमिटोबियम राइट एंड बेसोफिल्स लीस्ट अबंडसिक डाइज के साथ स्टेन होते हैं ईसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहते हैं क्योंकि वो एसिडिक डाइज के साथ स्टेन होते हैं न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे टेक एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्टेन ऑल द बेस्ट दोनों सवाल सही हैं अभी तक वेरी गुड जी चलिए रैपिड फायर राउंड को आगे बढ़ाते हैं अगला सवाल प्लेटलेट्स आर आर कॉल्ड डैश डैश एंड दे सेल्फ फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आप जानते हैं प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स दे आर सेल्फ फ्रेगमेंट्स बोन मैरो में एक सेल होता है जिससे ये बनते हैं एक आपको उसका नाम बताना है एंड द करेक्ट आंसर इज प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं एंड मेगा कैरोसाइट से ये बनते हैं प्लेटलेट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट वर्ड हम प्रेफरेबली यूज करते हैं नॉन मैमल्स में और मैमल्स के केस में प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स आर विदाउट न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इरेबिसेज में भी न्यूक्लियस नहीं होता अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा अ कंडीशन इन विच आर एच नेगेटिव मदर हैज सक्सेसिव प्रेगनेंसी विद आर एच पॉजिटिव फीटस इज कॉल्ड वॉट एनसीआरटी में क्लियरली मेंशन है कि एक आरएच नेगेटिव फीमेल अगर कंसीव करे एक आरएच पॉजिटिव फीचर्स तो पहली प्रेगनेंसी जर्नली नॉर्मल रहती है विदाउट एनी मेजर कॉम्प्लिकेशन बिकॉज प्लेसेंटा के लेवल पे ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता प्लेसेंटा इज द ओनली टिश्यू इन द बॉडी विच हैज सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट जेनेशन ह्यूमन प्लेसेंटा बर्थ के टाइम पे शेड हो जाता है तो हम डेसीडुएट प्लेसेंटा कहते हैं तो भाई आर एच पॉजिटिव फीटर्स के आरबिस अगर मदर की सर्कुलेशन में चले जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है द करेक्ट आंसर इज इरेब्लास्टोसिज फिटैलिस जिसे हम आर एच फैक्टर इनकमपैटिबिलिटी भी कहते हैं हेमोलाइटिक डिजीजेज ऑफ द न्यू में ये एक तरह का डिजीज है आप कह सकते हैं हेमोलाइटिक डिजीजेस ऑफ द न्यू में आप और भी चीजें पढ़ेंगे आगे एमबीबीएस में राइट जी अगला सवाल स्क्रीन पे यह रहा द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड ऑफ हार्ट हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड है दो एट्रिया है दो वेंट्रिकल एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड ऑफ हार्ट दे आर सेपरेटेड बाई थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड डैश सेप्टम तो अब आप उसका नाम बताएंगे कि उस सेप्टम को क्या कहते हैं वेल द करेक्ट आंसर इज एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम राइट दोनों एट्रिया भी आपस में पार्टीशेंड है इंटर एट्रियल सेप्टम है दोनों वेंट्रिकल्स भी आपस में पार्टीशंट है इंटर सेप्टम है राइट आप जानते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट में किस तरह का ब्लड रहता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में सुपीरियर वैनाकेवा इनफीरियर एंड कॉरोनरी साइनस ब्लड लेके आते हैं राइट right एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है राइट एवी वैल्व के थ्रू जैसे कि हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं फिर राइट right वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देता है लंग्स की तरफ पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे सेमी लूनर वाल्व होता है पल्मोनरी ट्रंक की दो ब्रांचेस हो जाती हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी इन दोनों का नाम तो जरूर आर्टरी है लेकिन ब्लड कैसा कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड एनी वेसल व्हिच टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड आर्टरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड व्हिच इट इज कैरिंग पल्मोनरी वेंस देयर आर टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेंस यानी चार चार पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लौटाती हैं लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू लेफ्ट एवी वेल्व विच इज बाय मिट्रल वेल्व भी कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है क्योंकि उसे पूरे जोर के साथ पूरी पावर के साथ पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है थ्रू आयोटा डोर्सल आयोटा जिसके बेस पे सेमिल्यूनर वैल्व है Iotis, the blood देखो एक सवाल के साथ साथ कितनी सारी आपको दे रहा हूं sure, आप अच्छे बच्चे ऑलरेडी पता है अगला सवालेज हार्ट बीट पर मिनट इज एक मिनट में इंसान का दिल कितनी बार धड़कता है जिसे हम हार्ट रेट भी कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट इन वन मिनट वेल द करेक्ट आंसर इज सेवेंटी टू राइट हम कह देते हैं सत्तर से अस्सी बीपीएम बीट पर मिनट ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स जब आप तेजी से दौड़ते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है राइट सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन होता है जब हम डर जाते हैं किसी चीज से तब भी हार्ट रेट बढ़ जाता है फिर उस बढ़े हुए हार्ट रेट को वापस नॉर्मलाइज कौन करता है पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम तो यानी हमारा जो ब्रेन है ना हमारे ब्रेन में जो हाइंड ब्रेन है वहां पे मेडुला रीजन है मेडुला के पास कार्डियो स्टिमुलेट्री एंड कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर्स होते हैं जो हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं वेगस नर्व नोड को सप्लाई करती है साइनोएट्रियल नोड को जो कि हार्ट का पेसमेकर है वेगस नर्व रिलीज करती है जो हार्ट रेट को कम कर देती है बाय हाइपर पोलेराइजिंग एसे नोड अगला सवाल सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच आर साइक्लिकली रिपीटेड दैट कॉन्स्टिट्यूट वॉट

वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल कार्डिक साइकिल टाइमिंग याद है आप लोगों को कार्डिक साइकिल टाइमिंग इज पॉइंट एट सेकेंड्स पॉइंट एट सेकेंड्स में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाते हैं एट्रिया रिलैक्स भी कर लेते हैं वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं वेंट्रिकल्स रिलैक्स भी करते हैं एट्रियल सिस्टोल इज फॉर पॉइंट वन सेकेंड एंड एट्रियल डायस्टोल इज फॉर पॉइंट थ्री सेकेंड ज्वाइंट डायस्ट्रोल का ड्यूरेशन याद है आपको पॉइंट फोर सेकेंड्स

ट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स सो आपको उन वेल्व का नाम बताना है और मैं आपको वो पहले ही बता चुका हूं सेमिल्यूनर वेल्व राइट जी लूनर रेफर्स टू मून हाफ मून शेप्ड वेल्व ये सेमिल्यूनर वेल्व अयोटा के बेस पे भी है अयोटिक वेल्व कह देते हैं पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे भी है तो वहां पर हम पलमोनरी वेल्व कह देते हैं क्लियर है अगला सवाल ई सी जी से रिलेटेड

एस एनोड हार्ट का पेस मेकर है, है ना हार्ट के पेस मेकर से इम्पल्स जनरेट होते हैं आर इज अ वॉल्यूम कंडक्टर तो अगर हम सेंसिटिव माइक्रो इलेक्ट्रोड शरीर पर लगा दें और उस जो इलेक्ट्रिकल डिस् डिस्टर्बेंसेज हैं उनको पिक करके एम्पलीफाई करके ग्राफिकल रिकॉर्ड बना दें दैट इज़ वट इज़ ई सी जी पी वेव सबसे पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है ई सी जी में एट्रिया के डिपोलराइज होने के कारण जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है दैट इज रिलेटेड टू द वेंट्रिक्युलर एक्टिविटी याद रखना है आपको अगला सवाल आ रहा है जी स्क्रीन पे न्यूरल सिग्नल्स थ्रू डैश नर्व कैन इंक्रीज द हार्ट बीट वेर सिग्नल्स फ्रॉम डैश नर्व कैन डिक्रीज द हार्ट रेट मैंने आपको बताया ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है ऐसे नोड जो है इट इज मेडअप ऑफ मॉडिफाइड कार्डिय मसल फाइबर्स अपने आप impulses जनरेट हो रहे हैं और हार्ट जो है बीट कर रहे हैं लेकिन जब जरूरत होती है तो शरीर हार्ट रेट को बढ़ा भी सकता है इंक्रीज कर सकता है टेकी कार्डिया या फिर बढ़े हुए हार्ट रेट को कम भी कर सकता है तो यही तो रोल मैंने बताया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे ना सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रिंग्स द हार्ट रेट बैक टू द नॉर्मल या फिर उससे भी कम कर सकता है ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज सी ए डी इज ऑफन रेफर टू एज कॉरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है हार्ट की वॉल को कॉरोनरी आर्टरी दो हैं राइट कॉरोनरी आर्टरी लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी आर्च ऑफ अयोटा याद है असेंडिंग अयोटा डिसेंडिंग अयोटा तो असेंडिंग अयोटा से ही कॉरोनरी आर्टरीज निकलती हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर कॉरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स बन जाते हैं फैटी सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और इसी को अथीरोसिस कहते हैं इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अगला सवाल हार्ट फेलियर समाइम्स कॉल्ड डैश बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज हार्ट फेलियर मतलब इन एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पम्प सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड अगर हार्ट ब्लड को आगे पंप नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली लंग्स में फ्लूइड रिटेन होने लग जाएगा क्योंकि हार्ट के पास ब्लड कहाँ से आ रहा है लंग्स की तरफ से ही आ रहा है ना जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने पढ़ा है पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आती हैं तो चेस्ट में ना कंजेशन फील होता है, है ना तो इसीलिए हम कह देते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश लेयर इज थिकर इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन्स आर्टरीज ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है जर्स के साथ प्रेशर के साथ जो है फ्लो कर रहा है तो आर्टरी की जो वॉल है जिसमें ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका एंटीमा ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका एक्सटर्ना ये लेयर्स होती हैं तो मस्कुलर लेयर जो है यानी ट्यूनिका मीडिया वो आर्टरी के केस में ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि आर्टरीज को ज्यादा प्रेशर टॉलरेट करना है इसीलिए आर्टरीज का ल्यूमन नैरो है और वेन्स का ल्यूमन वाइड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द हार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम क्या हार्ट एक्टोडर्मल है क्या हार्ट मीजोडर्मल है या हार्ट एंडोडर्मल है सवाल ये है सो so, आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी सिस्टम जो है हमारे वो से बनते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट इज ऑल्सो ओरिजिन एंड प्लीज रिमेंबर हार्ट इज अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल ओके नेक्स्ट पे है टी में मेंशन है वेयर आर कॉर्डे टेंडेने लोकेटेड वट आर कॉर्डे टेंडेने टेंडाइनस कॉर्ड्स भी बोलते हैं थ्रेड लाइक टेंडन्स विच कनेक्ट द हाई मस्कुलर रिजेस किसमें वो हाई मस्कुलर रिजेस

हार्ट साउंड से रिलेटेड है लब डब हार्ट साउंड आपने पढ़े हैं ना सो लब साउंड इज ड्यू टू वॉट लब इज लॉन्ग एंड बूमिंग साउंड डप इज शॉर्ट एंड शार्प साउंड सेकेंड हार्ट साउंड लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड डप इज द सेकेंड हार्ट साउंड हार्ट साउंड सुनने के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं सो लब इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एवी वैल्व एट्रीओ वेंट्रिकुलर वेल्व के क्लोजर से पहला हार्ट साउंड विच इज लॉन्ग एंड बूमिंग साउंड यानी लब वो प्रोड्यूस होता है सेकेंड हार्ट साउंड इज शॉर्ट एंड शार्प इट इज़ ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वैल्व याद रखिएगा अगला सवाल मैक्रोफाज आर फेगोसाइटिक सेल्स ए जी जो है वो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं दीज आर डिराइव फ्रॉम ये किससे बनते हैं आप डब्ल्यू याद करो ग्रेन्यूलोसाइट्स ए ग्रेन्यूलोसाइट्स ग्रेन्यूलोसाइट्स में थे न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स ए ग्रेन्यूलोस में लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स तो मैक्रोफाजिस किससे बनते हैं मोनोसाइट से मोनोसाइट्स दे एनलार्ज टू फॉर्म एंड मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट डब्ल्यू ये भी याद रखिएगा मैक्रोफाजिज फेगोसाइटिक सेल्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनने के बाद बोन मैरो में ही रहते हैं लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होते हैं बोन मैरो में बनने के बाद वो फाइनली कहा पहुंच जाते हैं था विच इज प्रेजेंट क्लोज टू यार्ट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं Throne of immunity भी कहते हैं, रिलीज करती है थाइमस। एंडोक्राइन भी कहते हैं, बढ़ती उम्र के साथ थाइमस जो है वो श्रिंक करती जाती अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी थ्योरी ऑफ एजिंग डी जेनेशन ऑफ थाइमस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एजिंग याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है लाइक like जरूर करिए सेशन को जिन्होंने अभी तक लाइक like का बटन प्रेस नहीं करा आई एम श्योर यू पीपल आर सुपर एक्साइटेड आपको मजा आता है इस तरह के रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने में So, इस तरह के बहुत सारे सेशंस में ऑलरेडी ले चुका हूं आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट जो है वो एक्सप्लोर करिएगा आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे राइट right, जी

आप उस पर क्लिक करेंगे दैट इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल यूर नीड्स रिलेटेड टू नीट YouTube के लेक्चर्स एनोटेटेड सेशन नोट्स डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नीट आकाश डिजिटल जो आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है हर तरह की इंफॉर्मेशन नीट से रिलेटेड हमारे चैनल से रिलेटेड सब यहाँ पे शेयर की जाती है स्टडी मटेरियल भी शेयर किया जाता है डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी शेयर होते हैं जो बच्चे मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं इंटरेक्ट करना चाहते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप है डी आर डॉक्टर का सिर्फ डी आर सचिन कपूर टॉक राइट जी तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आई होप आपको सेशन पसंद आया आपको मजा आया लाइक जरूर कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा गॉड ब्लेस यू ऑल विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रोस्परस फ्यूचर नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू